देवर और भाभी शादी के बाद मैं कुछ ही महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी और समय गुजरने के साथ ही मेरे डिलीवरी की डेट भी आ गई और मुझे बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने की वजह से घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति संतोष की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। शनि तो अपने भतीजे से इतना प्यार करते थे कि उनका ज्यादातर टाइम मेरे बेटे रिहान के साथ ही गुजरता था, क्योंकि संतोष का तो ज्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर ही गुजरता और वो जब थक हार कर घर आते तो रिहान सो चुका होता था, इसलिए रिहान अपने चाचा शनि के ज्यादा निकट था। रिहान अब धीरे धीरे एक साल का हो गया था। घर के कामों और रिहान को संभालने में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैं शनि से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। एक दिन शनि ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी शायद आप कुछ भूल रही है। मैंने कहा क्या, तभी वहाँ पर संतोष आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से मुंबई जाना होगा, मुझे अपने पति संतोष का मुंबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जाना जरूरी भी था। अगले हफ्ते संतोष मुंबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी, इसलिए शनि अपनी बात मुझसे बता नहीं पाया कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था और मैं भी भूल गई थी। संतोष ने मुंबई पहुंचते ही मुझे फोन किया और बोला कि मैं बहुत अच्छे से पहुँच गया हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के अंतराल में संतोष और मेरी फोन पर बातें हो जाती, पर अचानक न्यूज में आई खबर ने सबको हिला कर रख दिया। न्यूज यही थी कि संतोष जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी ने संतोष के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में मुंबई भेजा था, पर मुंबई जाने के कुछ दिन बाद ही वहाँ की कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव से आग लग गई और वह सारे लोग मारे गए, जिनमें संतोष भी थे। यह न्यूज सुनने के बाद तो मानो घर में एक कोहराम सा मच गया, सभी लोग बहुत रो रहे थे। मैं तो ये खबर सुनकर सन्न पड़ चुकी थी, मेरे आंखों से आंसू मानो कहां गायब हो चुके थे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि संतोष अब इस दुनिया में नहीं है। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता हुआ देख लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं यह पागल ना हो जाए, और कुछ औरतें मिलकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति संतोष अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इस हालत में देख शनि मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झकझोरने लगा और बोला, भाभी आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। शनि ने जब मुझे यकीन दिलाया तो उसके बाद मैं इतना तेज चिल्लाई कि मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मेरे माता पिता ने कहा, पूजा अब यहाँ पर रहकर क्या करेगी, अब इसे हमारे साथ भेज दीजिए। इस बात पर मेरे सास ससुर ने कहा, नहीं हम पूजा को आपके घर नहीं जाने देंगे, पूजा हमारी बेटी समान है, हमारे घर ही में रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, नहीं पूजा यहाँ पर रहकर करेगी क्या, अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, हम अपने घर ले जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा, क्या वह दूसरों के घर जाएगा। उन लोगों की यह सारी बातें मैं एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ कि नहीं। मैं दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि संतोष के अलावा किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं सकती थी। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मेरे सास ससुर ने मेरे माँ बाप से कहा, आप लोगों से ज्यादा फिक्र हमें पूजा की है, हमने पहले ही पूजा के बारे में सोच लिया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा क्या, मेरे सास ससुर ने कहा कि हम पूजा की शादी अपने छोटे बेटे शनि से करवाना चाहते हैं,
शनि से दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरे मम्मी पापा को इस बात से कोई एतराज नहीं था। उन लोगों ने कहा, ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था। आप लोग जैसा सोचे, हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले पूजा के बारे में सोच लिया है। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी थी और मैं सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बीतेगी। जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हर किसी के भाग्य में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे, मैं तो इनकी आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे शादी नहीं करनी है। तभी मेरे सास ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, हम रिहान के बिना नहीं रह पाएंगे। यह मेरे बेटे संतोष की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारणवश से दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा रिहान हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तू शनि से शादी करने को तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, हाँ, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन शनि से शादी करने को तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही शनि से इस बारे में बात कर ली थी। शायद शनि मेरे से शादी करने को तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। शादी के बाद मैं दुल्हन बनी अपने रूम में बैठी थी। जब शनि रूम में आया, रिहान तब तक सो चुका था। मैंने शनि से कहा कि शायद मैं तुमको वो प्यार ना दे सकूं जो कि एक पत्नी अपने पति को देती है। तब शनि ने कहा कि कोई बात नहीं, और उस दिन दोनों अलग अलग सो गए। ऐसे ही समय बीतता रहा और शनि ने कभी भी पूजा को प्यार देने में कमी नहीं रखी, और रिहान तो शनि के दिल का टुकड़ा था। एक रात पूजा ने सोचा कि मैं शनि के साथ गलत कर रही हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे वो सब देना चाहिए जो एक पति का होता है। अगले दिन पूजा ने फिर से बहुत ही अच्छे से श्रृंगार किया और रात में शनि का इंतजार करने लगी। जब शनि आया तो उसने पूजा को इस हालत में देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस दिन पूजा ने शनि का हाथ पकड़ा और बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको वो सब ना दे पाई जिस पर आपका हक था, लेकिन आज मैं आपको वो सब देना चाहती हूँ। आज मैं पूरी तरह से आपकी हूँ। फिर उस दिन शनि ने पूजा के साथ सुहाग वाली रात मनाई। पूजा ने शनि का वो देखा तो थोड़ा डर गई कि आपका तो काफी बड़ा है। और इस प्रकार शनि ने अपनी और पूजा की बरसों पुरानी भूख को मिटाया। फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।